वो जिसका नाम अल सबूर है यानी सब्र देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है। वो जिसका नाम अल अलीम है यानी जानने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारे दिल की कैफियत से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अल राफे है यानी बुलंद करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें गिरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम ही अल कादिर है यानी कुदरत वाला, उसके लिए फिर तुम्हारे हर गुमान को हकीकत में बदलना भला क्या मुश्किल है। वो जिसका नाम अल खबीर है यानी खबर रखने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी सिसकियों से बेखबर हो सकता है। वो जिसका नाम अल वदूद है यानी मोहब्बत करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी मोहब्बत की लाज नहीं रखेगा। वो जिसका नाम अल वकील है यानी काम बनाने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है। वो जिसका नाम अल मुतीन है यानी ताकत वाला, फिर वो कैसे तुम्हें कमजोर रहने दे सकता है। वो जिसका नाम अस्सलाम है यानी सुकून देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें बेसुकून रख सकता है। वो जिसका नाम अल गफूर है यानी बख्शने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें माफ नहीं करेगा। वो जिसका नाम अल रज़ाक है यानी देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हें उन चीज़ों से महरूम रख सकता है जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। वो जो इंसाफ करने वाला है, फिर वो कैसे तुम्हारे साथ नाइंसाफी होने दे सकता है। वो जिसका नाम अल हफीज़ है यानी मुहाफिज, फिर वो कैसे तुम्हें किसी ऐसी चीज़ के हवाले कर सकता है जिससे तुम्हें तकलीफ मिले। वो जिसका नाम अल मुजीब है यानी जवाब देने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी दुआओं के जवाब दिए बगैर उन्हें वापस लौटा सकता है। बस तुम सब्र करो और उससे मांगो जिससे मांग कर कभी कोई खाली हाथ नहीं रहा। बस एक अल्लाह ही तो है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, जो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी रजा के मुताबिक ढाल सकता है, जो फर्श से अर्श तक एक ही इशारे पे सब कुछ बदल सकता है। उन मंजिलों पे खुश हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुनी है, फिर वो तुम्हें उन मंजिलों तक खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारा यकीन और तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। तो फिर ना उम्मीद मत हो जिसने तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर किया है, तुम उसी से उस चीज़ के वापस लौट आने की दुआ करो जो रब तुम्हें एक दफ़ा तुम्हारी चाहत से नवाज सकता है, वो दूसरी दफ़ा भी उस चाहत को तुम्हारा मुकद्दर बनाने पर भी कुदरत रखता है। अल्लाह तुम्हें कमज़ोर इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें सजा दे सके, बल्कि वो तुम्हें इसलिए थका देता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह के साथ हैं। वो तुम्हें गिरा कर ही संभलने का हुनर सिखाता है। अल्लाह हर शख्स को मुख्तलिफ तरीके से आजमाता है और कभी कभार वो तुम्हें ऐसी आजमाइश में मुब्तला कर देता है कि तुम्हें लगता है जैसे अब तुम कभी भी उस आजमाइश से नहीं निकल सकोगे, मगर ऐसा होता नहीं क्योंकि अल्लाह तुम्हें इम्तिहान में मुब्तला करने से पहले तुम्हारे लिए उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाता है। अल्लाह आजमाता उन्हें ही है जिससे वो मोहब्बत करता है। वो तुम्हारी नज़र में चीज़ें इसलिए नामुमकिन बना देता है ताकि तुम उनके मुमकिन होने के लिए उसे मनाओ, क्योंकि वो इल्तजाएं कभी खाली नहीं लौटाता। वो दुआ को जुबान तक रसाई देता ही तब है जब उसने उस चीज़ से नवाजना होता है। मुमकिन या नामुमकिन का मत सोचो, बस उस पे यकीन रखो जो तुमने मांगा है, फिर तुम्हें वो ही दिया जाएगा जो तुम चाहते हो। वो खुद तुमसे फरमाता है कि तुम्हारे रब ने ना तुम्हें तन्हा छोड़ा है और ना वो तुमसे बेजार हुआ है, और तेरा रब भूलने वाला नहीं और उसके लफ्ज़ों से सच्चा और कोई नहीं। वो अपने वादों का पाबंद है, वो जो फरमा देता है उसे कोई भी
ना मोड़ सकता है ना रोक सकता है। तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं ही नामुमकिन की कबूलियत को मुमकिन बनाती हैं। तुम्हारा यकीन ही तुम पर वो दरवाजे खोलता है जिनको खोलना कायनात की किसी शय के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजज़ों से मिलवाता है और कुन से फायकून तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर ही तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो वरना वो देरी नहीं करता। वो जानता है तुम्हारी दुआओं को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह से ये राबता मत तोड़ देना सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उससे अब तक राबता बहाल नहीं हो सका जिससे तुम बहाल रखना चाहते हो। तो ये कभी मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें खाली हाथ वापस लौटा देगा। एक वही तो है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी ना तुमसे किसी ने की होगी और ना तुमने किसी से की होगी। जब वो हाथ में गम थमाता है तो उस गम को संभालने की हिम्मत भी दे देता है। बस तुम यकीन किए रखना। और वो तो पहली आवाज पर ही थाम लेता है। उदास हो, मदद की आस में हो, आंखों के सामने कुल कायनात बिखरती हुई नजर आ रही है, कहीं से रोशनी की उम्मीद नहीं रही, तो याद रखो कि तुम्हारे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, तुम्हारी एक दुआ तब भी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नसीब में भी इतनी ताकत नहीं जितनी तुम्हारी दुआओं में है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि मेरे बंदे ने पलकों से झलकते हुए आंसू को मेरी रजा के लिए जब्त किया है। वो जानता है कि मेरा बंदा बेहद थक गया है। वो जानता है सब गवा कर मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है। तुम्हारा यही तो मसला है कि तुम वो तो सोच लेते हो जो नहीं हो सकता मगर वो नहीं सोचते जो हो सकता है। तुम अपनी बेबसी पर ही इतना मायूस हो जाते हो कि ये भी नहीं देख पाते कि तुम जिससे मांग रहे हो उसके इख्तियार में तो सब कुछ है। तुम सोचते हो कि अल्लाह जो जान से प्यारी चीज आजमाइश के लिए तुमसे दूर कर देता है वो लौट कर वापस नहीं आती मगर ये भी तो हो सकता है कि जिसे छीन लिया गया है वही तुम्हारे इस इम्तिहान और इंतजार का सिला हो। वो चीज जिसके दूर हो जाने से वजूद तहस नहस हो जाए उस हादसे को भुलाने में वक्त तो लगता है और उस वक्त को सब्र कहा जाता है।